कांग्रेस ने ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा से अपने मौजूदा विधायक प्रवीण पाठक को फिर से प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण पाठक ने कहा है कि बीते 5 सालों में मैंने अपनी विधानसभा में बहुत काम किया है। ये क्षेत्र बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन मैंने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर 2018 में जीत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बीते 5 सालों में विकास की गंगा बहाई है, वो भी बीजेपी की सरकार के रहते हुए। प्रवीण पाठक ने कहा कि मैं दक्षिण विधानसभा का विधायक नहीं बल्कि दक्षिण का बेटा हूं और इसी प्यार भाव से इस बार फिर से जीत हासिल करूंगा। आपको बता दें कि दक्षिण विधानसभा सीट पर अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। यहां पर भाजपा के 15 से ज्यादा दावेदार लाइन में हैं, जिसमें पूर्व मंत्री सांसद के नाम भी शामिल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व मंत्री भी कांग्रेस का टिकट पाने के लिए कमलनाथ से मिल चुके थे, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था और अपने ही विधायक पर भरोसा जताकर फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने एक एक परिजन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, उसके कारण कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी ग्वालियर दक्षिण से घोषित किया। मुद्दों की तो कमी है नहीं, ना ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में, ना पूरे मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से 18 वर्षों से ये मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस प्रकार से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये से ज़्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार का अपराध है, जिस प्रकार की माफियागिरी है, उसके बाद भी क्या किसी मुद्दे की आवश्यकता है? किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, महिला उत्पीड़न में हम देश में नंबर एक पर हैं, इसके बाद भी मुद्दों की आवश्यकता है? रावण की लंका ढहने वाली है और इस मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी का रामराज्य आने वाला है आपके चैनल के माध्यम से।